नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि का प्रथम दिन यानी माता शैलपुत्री का पूजन और उनकी आराधना का दिवस, करुणा और ममता की देवी यानी शैलपुत्री माँ, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरा वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। ये माँ शैलपुत्री का मंत्र है। आज शैलपुत्री का प्रथम दिवस और नवदुर्गा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप, माता का इसी रूप शैलपुत्री के नाम से विख्यात है और इसी रूप को पार्वती भी कहा जाता है और हेमावती भी कहा जाता है। शैलराज हिमालय के घर पे जन्म हुआ, जिनके कारण माता का नाम शैलपुत्री रहा। माता नंदी नाम के वृषभ पर सवार है, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। शैलपुत्री माता का पूर्व जन्म की कहानी, उनका जन्म प्रजापति दक्ष के वहां पुत्री के रूप में हुआ था। प्रजापति दक्ष पुत्री से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह था। सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। एक दिन प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जो यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया था। हर एक देवता को बहुत विनम्रता के साथ यज्ञ का भाग, उनका जो भाग रहता है हर एक देवता का, वो लेने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए सबको सहृदय आमंत्रित किया था। ये बात सती को पता लगी कि सारे देवता उनके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं और उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया है। सती को पता लगा कि पिता कुछ नाराज लगते हैं, तो उन्होंने शिवजी से बात किया कि पिताजी ऐसा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमको जाना चाहिए, हमको निमंत्रण नहीं आया है। तो शिवजी ने कहा कि देखो सती, कुछ ना कुछ तो उनके मन में रहा होगा, या तो पिताजी नाराज रहे होंगे हमसे, कुछ समय जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। पर पिता के प्रति प्रेम और पुत्री का बहुत ज्यादा लगाव, जिसके कारण सती ने बहुत ही जाने का आग्रह बताया और यह आग्रह देखकर शिवजी बेबस थे। सती वहां से यज्ञ के लिए जाती है। सती पिता के घर पहुंचती है, प्रजापति दक्ष के घर पे। वहां पर उन्होंने देखा सबका उनके प्रति व्यवहार तिरस्कार वाला, बहुत ही ज्यादा ताने मारने वाला, ये सब था। सिर्फ माता उनको बहुत स्नेह करती थी, बाकी किसी कोई भी व्यक्ति जैसे उनको चाहता ही नहीं था। यज्ञ का दिन आया, बहुत ज्यादा तिरस्कार भाव से सती वहां पर सब कुछ सहन कर रही थी। यज्ञ में सबने शिवजी की अनुपस्थिति देखी, तब दक्ष प्रजापति ने न कहने वाले वचन शिवजी के लिए कहे। ये सब सुन के सती का हृदय बहुत ही ज्यादा द्रवीभूत हो गया। सती को अपना निर्णय, अपना जो यज्ञ में जाने का निर्णय लिया, उसके लिए बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। ग्लानी के कारण उन्होंने वहीं पर योगाग्नि के कारण शरीर को त्याग कर दिया और ऐसे ही सती भस्मीभूत हो गई। सती योगाग्नि में भस्म हो गई। कहते हैं उसके बाद प्रजापति दक्ष का वो यज्ञ विध्वंस हो गया और इसके बाद शैलराज हिमालय के घर पे सती ने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया। शैलपुत्री के पूजन और उपासना के लिए साधक देवी की उपासना के लिए प्रथम दिन पर कहते हैं अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं और देवी माँ को प्रार्थना और उनकी उपासना करके जीवन में करुणा, ममता, शांति और वैभव का प्राप्ति के लिए
प्रार्थना करते हैं। तो ये है सुंदर कहानी माता शैलपुत्री की, जिनकी महिमा अपरंपार है। ऐसी माता शैलपुत्री को सत सत वंदन है।